बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है ना सुबह सुबह हमने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर ले। पूरी रात जो है ना बारिश बरसती रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रही है। और अभी तक देखें आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी तक बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश अभी तक भी बरस रही है। इससे पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। के नीचे ना कितना पानी हो गया, ये देखिए। अभी हमने जानवरों को घास तो डाल दिया है, ये देखें। और उस तरफ की सारे के सारे जानवर, ये देखिए कितना कम हो गया है पानी की वजह से, बारिश की वजह से। गर्मियाँ होती हैं तो थोड़ी थोड़ी बारिश आती है तो पता ही नहीं चलता, बाहर पानी आता है और एकदम से हवा चलती है, पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन ये देखिए आपको नीचे भी सब कुछ जगह, हर जगह गीली ही नज़र आ रही होगी। और फसलें जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये देखिए सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। और हसीब भी आ गया है, हसीब सलाम करो। बिल्कुल ठीक हूँ। हसीब की टोपी कहाँ है? अभी हसीब ना बिस्तर से निकल के आ रहे हैं, अभी ना काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे सुबह के 10 बज रहे हैं सुबह के। तो और ये प्यारी प्यारी बकरियां जो है ना, ये देखें ये भी भाग जा रही है। और ये देखें, ये हमने दो खूंटे और बनाए हैं बांधने के लिए, एक छोटा। अभी इसको ना खुश्क जगह पर लगाते हैं ताकि जानवर खुश्क जगह पर खड़े हो सके। ये देखें इस तरह से हम ना बनाएंगे, आज आप लोगों को दिखाते हैं बना के हम किले कैसे बनाते हैं। देखें थोड़ा सा हमने चहे से पहले बनाया है और अब इसमें हम डाल के ना इसको कहीं से ऐसे बनाएंगे। अब मुझे दिखा, ये देखिए जानवरों के लिए भी सही है, जैसे कि भैंस के नीचे का सारा पानी है। बहुत ही खूबसूरत माहौल आज नज़र आ रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हर चीज़ अच्छी लग रही है क्योंकि अभी ना ये देखें बूंदाबांदी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हर तरफ धुंध ही धुंध है, ज़्यादा होती है। अगर हवा ना चल रही हो तो फिर सर्दी इतनी नहीं होती। तो ये देखिए हम आए हुए काफ़ी आगे आ गए हैं घर से, ये देखिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बना रहा है जानवरों की जगह। कितनी खूबसूरत लग रही है सही बदनाम, देखें प्यारी लग रही है ना। और ये देखिए अभी हम अपने घर में दाखिल हो चुके हैं और घर की हालात देखो, बारिश की वजह से कैसी हालत बनी हुई है घर की, ये देखिए। कैसा लग रहा है, वैसे हर जगह पानी पानी और मिट्टी जो है ना वो जम चुकी है, जो धूल उड़ी हुई थी वो धूल जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब फ़ायदा ये हुआ है इसका कि अब अंदर पोंछा लगाएंगे ना, अभी तो सारा घर ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि सुबह सुबह हमने अभी पोंछा नहीं लगाया, ये देखें। तो अभी थोड़ी देर बाद पोंछा लगाएंगे ना तो फिर नीचे टाइलें भी चमकेंगी और घर बहुत खूबसूरत लगेगा और मिट्टी ना होगी ना अंदर जाएगी। तो अभी चलते हैं छत पर और छत पर चल के आप लोगों को छत से पूरे अपने गाँव का माहौल दिखाते हैं। ये देखिए हम आ गए हैं छत पर, एक पूरे गांव का व्यू इधर से नजर आता है।
ये देखें, ये हमारी बैक सेट है कि बारिश ऐसे ही होती है। डॉगी ना ये जो होती ना तूड़ी, तूड़ी के ढेर में ना छुप कर बैठे होते हैं। अभी जलते हैं, जानवरों को बांधते हैं और फिर कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, किचन के तरफ चलते हैं। तो अभी जो है ना ये देखिए किचन को हमने बंद किया हुआ है सर्दी की वजह से। दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, बहुत ही तेज़ तेज़ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है क्योंकि इतनी ज़ोर की बारिश नहीं बरसती है। आप सामने देख रहे हैं कैसे ऐसे छोटी छोटी सी फुहार बरस रही है, जैसे धुंध जो है ना वो गिर रही हो, बिल्कुल छोटी छोटी सी फुहार है। तो मैंने अभी हम आग जलाई हुई थी किचन में, हमने सोचा कि खाना वगैरह बना लें, तो अभी मैश किया कि हम अंदर बैठे और हमें ना नान खाने हैं। तो नान कल से आए हुए हैं, तो मैंने सोचा है कि आज पका के बच्चों को खिला देते हैं। तो चलो अभी जो है हम किचन में पहुंच चुके हैं और बाकी सब ने तो नान तल के खा लिए हैं और बाकी रह गया अभी हसीब। हसीब क्योंकि सो रहा था तो उसको हमने नहीं जगाया, सुबह सर्दी थी ना इस वजह से, तो सुबह सुबह सब ने नान खाए तो कहते हैं मुझे भी नान बना के दो। तो हसीब किसे के दो बच्चों में अभी अभी उसको गर्म गर्म बना कर देते हैं। गैस हमने जला लिया है और ये कढ़ाई रख देते हैं। इसमें ना हमने ये देखें आलू और इसके अलावा टमाटर का पेस्ट और इसके अलावा हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और इसके अलावा ना इसमें हमने मैदा और पकौड़ों वाला आटा जो है ना मिक्स करके इसमें हमने इसका पेस्ट बना लिया है ये देखें। और अभी जो है ना जब तक घी गर्म होता है हम नान को पक लगा देंगे। ये देखें नान हमने मंगाए हैं, ये देखें इस तरह से गरम होता है तो फिर इसमें हम इसको डाल देंगे। देखिए घी गरम हो चुका है और अभी इसमें हम डाल देंगे और साथ में ले रखें इसी तरह घी के ऊपर हम डाल लेंगे। और अच्छी तरीके से ना इसको तलेंगे और जैसे ही ये धीमी धीमी आंच पर पकता है हम दूसरा बना लेंगे। माशाल्लाह से ये हमारा तैयार तैयार हो चुका है, अभी इसको निकालेंगे प्लेट में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तैयार हो चुका है।
और अभी हम डालेंगे दूसरा। माशाल्लाह से ये दूसरा भी तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। ये भी हमारा दूसरा भी तैयार हो चुका है। अभी हमने इसको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है ताकि गैस को कर दें बंद। तो ये जो है ना, इसको रायते के साथ ना बना कर खाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार ये लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से ये खाते हैं। तो बच्चों के फरमाइश पर स्पेशल हमने मंगाए थे, सुबह काफ़ी सारे हमने तले हैं, लेकिन हमने सोचा है कि अभी जो है ना हसीब जो है ना वो सोया हुआ था सुबह सवेरे, तो हसीब देर से जागा है तो उसलिए उसको हसीब के लिए बनाया है। ठंडा है, इतनी ज़्यादा ठंडा है ना। अभी मैंने सोचा है कि इधर बैठकर खाना भी बना लेते हैं और वीडियो भी, इधर ही बैठकर बाहर आज ठंडे ठंडे मौसम में किचन में बैठकर खाना भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन लगता मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे कितनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी सर्द हवा चल रही है, मुश्किल बात है। चलते हैं, मेरे ख्याल में हमें उसी घर में जाना पड़ेगा। अभी हम सब्ज़ी काट लेते हैं, वैसे हम इधर और बैठे हुए हैं एक कोने में, तो हमने मेथी तोड़ी है अपने खेतों से, तो ये हम बना लेते हैं। आप तो मेथी बना रहे हैं, मैं तो गोश्त लेकर आया हूँ। अच्छा, आपने बताया नहीं, ऐसे लेकर आ गए। चले ठीक है, ये मेथी ख़राब तो नहीं होती, अभी इसको काट के रख देते हैं। वैसे भी मैं चल रही हूँ उधर उसी घर में, क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, देखे कितनी सर्द हवा चल रही है। अच्छा, तो मैंने कहा गोश्त लेकर जा, सर्दी है ना इसलिए। अच्छा, तो मिठाई भी आ गई है, वो मिठाई किस सिलसिले में ये तो आपको पता चलेगा दूसरे चैनल में। अभी जो है ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलें ठीक है, फिर मेथी काट के रख देते हैं, फिर चलते हैं उधर। ये जो है ना, हम किचन में पहुँच चुके हैं और ये देखें गोश्त भी आ गया है, ये हमने निकाल के रख दिया है, तो अभी आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लो इसको भी साफ करो। और साथ मेरी बैठी है अलीना, वो मेरा हाथ बटा रही है काम में, चिंती करो जल्दी करो, माचिस लेने की है, अभी माचिस लेकर आते हैं फिर आग जलाते हैं। आज तो आग जलाना भी बहुत मुश्किल बात है क्योंकि लकड़ियाँ जो है ना वो गीली हुई हुई हैं, और उसके साथ साथ ना जब बारिश आती है नमी पड़ती है ना, इस वजह से बड़ी मुश्किल से आग जलती है। इसमें हमने प्याज को गोश्त को डाल दिया है, अभी ये जब तक फ्राई होगा तब तक हम ना बाकी के मसाले भी काट लेते हैं। तो चलते हैं अंदर कमरे में क्योंकि वहाँ का इंतजाम कुछ आप लोगों को दिखाना है। ये देखे कमरे में ना ये सब इकट्ठे बैठे हैं, ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? जलेबियाँ खाने की, खाना खाने की।
जलेबियाँ खाने की मिठाई बैठे हैं अभी मिठाई खाने के इंतजार में क्योंकि अभी जलेबियाँ आ चुकी हैं, मिठाई आ चुकी है। किस खुशी में है ये? बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो वो वीडियो मिलेगी आपको दूसरे चैनल पर, डेली रूटीन कुकिंग पर। तो वहाँ आप जाएं और वीडियो देखें कि उसमें जो है ना हम आज कौन सी खुशखबरी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखना है, इसी तरह हमारा साथ देते रहना है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी भी मुंतजिर है इंशाल्लाह, आप लोगों की भी और हमारे भी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल रंग का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।